अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव डिज़ाइन। ये आप ट्राउज़र की मोहरी पर भी बना सकती हैं। तो चलिए देखते हैं हमने कैसे बनाया है ये। यहाँ पर मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है। इसकी मोहरी तकरीबन मैंने 16 इंचज़ जो है वो ली है। यहाँ पर मैंने एक गत्ते का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 3 इंच है और इसकी लंबाई जो है वो मैंने 3.5 इंच ली है और लंबाई के रुख इसको फोल्ड कर लिया है। डबल 2 सेंटीमीटर तकरीबन इसकी मैं यहाँ पर चौड़ाई लूँगी और इसकी जो यहाँ पर नीचे की तरफ जो मार्क ले रही हूँ वो मैं 1.25 इंच पर ले रही हूँ। और अब यहाँ पर इसको मैं स्केल की मदद से स्ट्रेट कर लूँगी इस तरह से। और अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ लंबाई जो लेंगे वो तकरीबन 1.25 इंच लेंगे, यानी 2 इंच पूरा नहीं है, उससे कम है, ठीक है। और इसको भी अब स्केल की मदद से मिलाकर एक ट्रायंगल हम बना लेंगे। अब यहाँ पर नीचे की तरफ मैं एक कट जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ। हल्के हाथ से आप ड्रॉ करें, जो गुलाई आपको पसंद आए वो आप रख लें और बाकी आप जो है वो यहाँ से हल्का सा मार्क कर दें ये इस तरह से। इसको मैं कटिंग कर लूँगी। ये बेसिकली गत्ते पे मैं पैटर्न तैयार कर रही हूँ। पहले गुलाई को हम कट कर लेंगे और तकरीबन 1 सूत के बराबर जो हमने निशान लगाया है ना, वो भी हमने इसी तरह ही कट कर लेना है। उसका रीज़न भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर मैंने बुकरम का पीस लिया है, ये इसकी शाइनिंग सरफेस है और ये तकरीबन मेरा 4 इंच का है लंबा बुकरम और चौड़ाई इसकी जो है वो तकरीबन 15 इंच है। यहाँ पर इस तरह से रखते हुए अपना पैटर्न इसको मैं ट्रेस करूँगी। ये देखें, ये ट्रायंगल भी इसी तरह ट्रेस करेंगे हम, सही है। और नीचे जो कटवर्क बना हुआ है ना, उसको भी हमने इसी तरह ट्रेस करना है। और जो 1 सूत का हमने छोड़ा हुआ है ना गैप, वो भी हमने साथ ही ट्रेस करना है। ये देखें, अब इसी 1 सूत जो हमने छोड़ा है ना, उसी को दोबारा से रख कर ना एक दूसरे के ऊपर, तो फिर हमने शेप ड्रॉ करनी है। इसका मकसद ये है कि जब हम कटवर्क को स्टिच करेंगे ना, तो जो नोक है वो बहुत अच्छे से हमने स्टिच करनी है, ताकि जब हम कट लगाकर फोल्ड करें ना, तो वो कट ना जाए हमारी सिलाई। अक्सर ऐसा होता है कि हम कटवर्क जो इस तरह बनाते हैं तो वो क्या होता है, कटने के बाद जो है वो हमारी सिलाई भी कट जाती है। अब ये देखें, पैटर्न मैंने जो है ना इस पर ड्रॉ कर लिया है। कटर की मदद से हल्का सा कट लगाना है इस तरह से, और ये जो सारी की सारी ट्रायंगल है ना, इसको हमने कटिंग करके इसके अंदर से निकाल देना है, ठीक है। एहतियात से आपने अपने निशान के ऊपर ही कटर की मदद से कटिंग करनी है इस तरह से, सही है। ये देखें, पहले हल्का सा कट लगा लेना है और फिर कटर की मदद से ये पूरी जो हमारी शेप है ना ट्रायंगल की, वो हमने कटिंग करके निकाल देनी है। सभी को इस तरह से निकाल दिया है और यहाँ पर जो है वो मैं नीचे कटवर्क जो है उसको भी एहतियात से हम कटिंग कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर हार्ड वाला बुकरम लिया है, आप अगर जेपी भी लेना चाहती हैं तो वो भी ले सकती हैं, लेकिन ज़्यादा फिनिशिंग के साथ जो है बुकरम पर ही डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। अब ये देखें, कटवर्क की जो नोक है ना, वो असल में नोक नहीं है, वहाँ पर हल्का सा जो है वो स्ट्रेट डिस्टेंस है। ये देखें, इसको मैं अपने स्लीव की मोहरी पर जो है वो पेस्ट करूँगी। अलहदा कपड़े पर पेस्ट नहीं किया, स्लीव की मोहरी पर ही हमने 1/2 इंच का मार्जिन रख के ना सिलाई का, तो पेस्ट कर लिया है। और यहाँ पर जो है वो हल्का सा कट लगाना है, बिल्कुल ये देखें मामूली सा कट लगाना है, और सेंटर से आपने कटिंग करना है अच्छे से कपड़ा, क्योंकि ये पूरा जो पोर्शन है कपड़े का, ये हमें जो है निकालना नहीं है, बल्कि इसको कट करके तो इसको हमने पेस्ट करना है। ये ग्लू है, मार्केट से इजीली मिल जाती है,
ग्लू स्टिक है, इसको हमने एजेस पर लगा लेना है, ये जो बुकरम है ना उसके एजेस पर, और हल्के हाथ से जो है ना वो हमने ये फैब्रिक जो है वो फोल्ड कर देना है, ठीक है? सारे का सारा फैब्रिक फोल्ड होना चाहिए अच्छे से फिनिशिंग के साथ, जहाँ ज़रूरत पड़े हम और जो है वो ग्लू स्टिक लगा कर उसको फोल्ड कर देंगे, ठीक है? इस तरह से ये देखें, कटर की मदद से इसके जो नोक है ना उसका फैब्रिक हम अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ ये पेस्ट हो गया। तो अब ये हमने सारे के सारे पेस्ट कर लिए हैं इसी तरह। अब मैंने यहाँ पर जो है वो इसको फैब्रिक लिया है ग्रीन कलर का, उसकी मदद से हमने कट वर्क इसके निकालने हैं। मैंने कंट्रास्ट में लिया है ग्रीन कलर, आप अगर चाहें तो सेम भी ले सकती हैं, लेकिन कंट्रास्ट में ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर मैंने रफ़ सिलाई पहले लगानी है ताकि जब हम कट वर्क बनाएं ना तो फैब्रिक हमारा इजीली मैनेज हो जाए, ठीक है? रफ़ सिलाई लगाने के बाद ये देखें हमने कट वर्क हम बनाने हैं। ये शुरू से जो स्ट्रेट सिलाई आई है ना, बाद में ये जब हम मोहरी को बंद करेंगे तो ये उसमें चला जाएगा और कट वर्क से ही हमारा जो हमारा स्लीव है ना मोहरी वो शुरू होगी और वहीं पे हम उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर गौर से आपने देखना है कि हमने जब दूसरे कट पे जाना है तो हमने दो तीन टांके जो है वो लेकर अच्छे से पक्का करके इस किनारे को, तो फिर अगले कट पे जाना है। तो जो एक सूत की हमने छोड़ी थी ना पैटर्न में जगह, उसका यही मकसद था कि हम अच्छे से पक्का करें अपने कटवर्क की नोक को, ताकि जब हम सिलाई यहाँ पर हमारी कटे ना, ठीक है? ये देखें बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगानी है। आप लॉन के ड्रेस पर इसको जरूर बनाइएगा, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखें इस तरह से उठाना है पाँव मशीन का और दो टांके लेकर और हमने उसको पक्का कर देना है। यहाँ पर मेरे पास बहुत ही प्यारी जो है वो ये लेस है डार्क पिंक कलर में। तो ये जो पैटर्न था ना ये हमने ज़ाया नहीं करना, बल्कि ये जो हमने फैब छोड़ा था ना, तो यहाँ से हमने इसको कटिंग कर लेनी है, ठीक है? तो अब ये देखें इसको लेस के ऊपर इस तरह से रख कर इसको बैलेंस करेंगे पहले, और जो बाकी की एक्स्ट्रा लेस है ना वो हमने कटिंग कर देनी है, ठीक है? आप किसी भी जो है वो डिज़ाइन की लेस ले सकती हैं, कलर आपके जो ड्रेस में है वो ले सकती हैं, ठीक है? तो ये देखें मैंने इसको पैटर्न के ऊपर रख के ना बैलेंस कर लिया है और कोने भी इसके थोड़े थोड़े कटिंग कर लिए हैं। ये देखें फिर मैं आपको रख कर ये दिखा रही हूँ, सही है? तो अब ये मैंने इसी तरह लैस के ऊपर रख के ना तो कटिंग कर लेने हैं। ये पीसेस मैंने लैस के कटिंग कर लिए हैं और UHU की मदद से पहले हम इसको पेस्ट करेंगे। तो ये जो फोल्ड किया था ना हमने कपड़ा उसके ऊपर रख कर, तो UHU हल्का हल्का लगा रहे हैं, ये ग्रीन फैब्रिक के ऊपर नहीं लगना चाहिए, ठीक है? अच्छे से पहले उसको लगा लेना है और लैस जो है वो आपकी तरफ उसका उल्टा फेस हो और नीचे की तरफ उसका सीधा फेस होना चाहिए, ठीक है? तो इसको अच्छे से रख लेना है और हाथ की मदद से जो है ना उसको अच्छे से फिक्स कर देना है। और रफ़ सिलाई जो थी ना वो मैंने यहाँ पर रिमूव कर ली है, उधेड़ ली थी। अब मैं यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दूंगी कट वर्क के साथ साथ रख के। सही है, आपने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ना उसकी कटिंग कर देनी है थोड़ा थोड़ा मार्जिन रख के। अब यहाँ पर देखें कटर की मदद से जो है ना वो मैं इसकी नोक को कट करूंगी और कटिंग करके हमने इसको पलट लिया है। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और अब मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाऊंगी। इस तरह से हमने यहाँ पर रखना है और सिलाई जो है वो बिल्कुल किनारे पर हमने लगानी है और इस ट्रायंगल पे हमने सिलाई जो है वो
ऑरेंज कलर के थ्रेड से लगा लेनी है। ठीक है, ये देखें इसको मोड़ लें एहतियात से, और फिर इस पर सिलाई जो है वो हमने लगानी है। देखें तीन कॉम्बिनेशन कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। और जहाँ पर हमने सिलाई शुरू की थी ना, मोड़ कर थोड़ा सा टांका आगे लेकर जाकर हमने फिर है वो कंप्लीट कर देना है इसको। ये देखें, एक और मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। तो आई होप कि आपको डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। तो अगर डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।